हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ये इलस्ट्रेशन ब्लॉक्स दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर्स। जैसे यदि हमें डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट पिक्चर की विंडो ओपन होती है। जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन में क्लिक किया तो ये इंसर्ट पिक्चर की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लो हमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है, वो कहीं पर भी हो सकती है, जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट, या यहाँ पर किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पर भी सेव हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे ये पिक्चर्स, इसमें क्लिक करेंगे सैम्पल पिक्चर और यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स के नाम आ रहे हैं। तो जो भी पिक्चर हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाती हैं। उसके बाद यदि हमें इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से ये जब इस तरीके का एरो आ जाए तब यहाँ से हम इसको ड्रैग करके पिक्चर का साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि पिक्चर को रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का गोल दिया हुआ है यहाँ से हम ड्रैग करके इसको पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर इंसर्ट करने पर ये फॉर्मेट टैब जुड़ जाती है। तो फॉर्मेट टैब जुड़ जाती है, अब यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट कितना रखना है तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्राइटनेस ये +40°, 40%, 30%, 20%, तो जितना भी हमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा रखना है अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ से हम इस ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये कंट्रास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो कंट्रास्ट भी हमें अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है तो यहाँ से हम कंट्रास्ट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है रीकलर, इस पिक्चर को हम किस कलर से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये रीकलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है फिर उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चेंज पिक्चर। यदि हमें इस पिक्चर को चेंज करना है तो यहाँ पर हम चेंज पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हमने ये टुलिप्स की पिक्चर इंसर्ट की थी, इसकी जगह पे अब यदि हमें कोई दूसरी पिक्चर को इंसर्ट करना है, जैसे डिज़र्ट है, इसको इंसर्ट करना है, तो ये पिक्चर को सिलेक्ट किया और इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पर चेंज हो गई। अब यहाँ पर करते हैं रीसेट पिक्चर, तो ये पिक्चर को रीसेट करने के लिए यहाँ पर हम रीसेट पिक्चर का पिक्चर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रीसेट पिक्चर में जितना भी इसका साइज़ था उतना साइज़ बताता है। जैसे यहाँ पर ये इतना साइज़ किया, रीसेट पिक्चर करेंगे तो ये पूरा फुल साइज़ में दिखाई देगा। फिर यहाँ पर ये पिक्चर की स्टाइल दी हुई है, तो पिक्चर की स्टाइल कैसी रखनी है, यहाँ पर हम पिक्चर की स्टाइल ये जिस भी तरीके से रखना है तो यहाँ से हम पिक्चर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर शेप, तो पिक्चर का शेप किस तरीके से रखना है, जैसे यहाँ से ये ट्राइंगल कर दिया, तो जिस भी तरीके का यहाँ से पिक्चर का शेप रखना है तो यहाँ पर हम पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर बॉर्डर, तो पिक्चर की बॉर्डर हमें किस तरीके से रखनी है, बॉर्डर का कलर क्या देना है, तो यहाँ पर ये बॉर्डर का कलर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर यदि आउटलाइन को कोई भी बॉर्डर नहीं रखनी है, हटाना है आउटलाइन को, तो यहाँ पर हम नो आउटलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आउटलाइन को हटा सकते हैं। फिर किस तरीके की स्टाइल रखनी है लाइन की, तो यहाँ से हम लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन स्टाइल दी हुई है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये लाइन स्टाइल है और ये उसकी विड्थ है, कितनी रखना है, कम ज़्यादा कितनी रखना है, तो यहाँ से हम लाइन स्टाइल को, यहाँ से स्टाइल चेंज होती है और यहाँ से इसकी विड्थ कितनी रखनी है वो चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है पिक्चर इफेक्ट, तो पिक्चर का इफेक्ट हमें किस तरीके से रखना है, ये प्रीसेट में दिया हुआ है, यहाँ से पिक्चर इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। शैडो देना है हल्की सी, यहाँ से रिफ्लेक्शन, ग्लो, जिस भी ऑप्शन का यूज़ करना है
3D रोटेशन का करना है तो यहाँ से ये 3D रोटेशन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट ब्लॉक दिया हुआ है अरेंज ब्लॉक, तो अरेंज ब्लॉक को यहाँ पर ये पेज लेआउट टैब में ये यहाँ पर ये जो अरेंज ब्लॉक दिया हुआ है इसमें समझेंगे। अभी आगे के ऑप्शंस देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है साइज ब्लॉक, तो साइज ब्लॉक में ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉप। तो क्रॉप मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इतनी ये अपनी पूरी इमेज है और इसमें हम पर्टिकुलर केवल ये बीच का इतना एरिया बस देखना चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि बाकी का जो एरिया है पूरा ये हट जाए, क्रॉप हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। अब जैसा भी जितना भी क्रॉप करना है तो यहाँ पर हम ड्रैग करते जाएंगे, ये इस तरीके से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला एरिया भी रिमूव करना है तो यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे, इस तरीके से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हाइट और विड्थ, तो इमेज की हाइट और विड्थ कितनी रखनी है यहाँ से हम हाइट और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हाइट मैंने यहाँ से बढ़ा दी, इसी तरीके से हम यहाँ पर हाइट और विड्थ जितनी भी रखनी है कम ज़्यादा करना है तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट से भी हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में क्लिप आर्ट की पेन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम सर्च फॉर्म में टाइप करके भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च फॉर्म में मैंने फ्लावर टाइप किया, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो फ्लावर से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी पिक्चर होंगी वो सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। और इसके अलावा हम यहाँ पर यदि कुछ भी टाइप नहीं करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर गो बटन में क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर गो बटन में क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सारी पिक्चर्स यहाँ पर शो होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम सिंपल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शेप्स, तो शेप्स ऑप्शन में जो भी हमें शेप्स ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, ये अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, लाइंस से रिलेटेड दिए हुए हैं, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, फ्लो चार्ट, कॉल आउट, स्टार्स एंड बैनर्स। तो जिस भी तरीके का हमें शेप बनाना है तो यहाँ से हम शेप को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्स एंड बैनर्स में शेप को सिलेक्ट किया और शेप को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ करेंगे तो ये शेप यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। जब यहाँ पर हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर इंसर्ट की थी तब भी यहाँ पर फॉर्मेट टैब जुड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो है पिक्चर टूल्स बता रहा था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर शेप्स को इंसर्ट किया है तो शेप्स को इंसर्ट किया है तब भी यहाँ पर ये फॉर्मेट टैब बता रही है, लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पर बता रहा है ड्राइंग टूल। तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट शेप्स। इसके अलावा यदि हमें कोई दूसरा शेप इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम ये दूसरा शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यदि हमें शेप के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो ये एडिट टेक्स्ट में क्लिक करके हम यहाँ पर कुछ जो भी टेक्स्ट टाइप करना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये शेप स्टाइल, तो शेप की स्टाइल हमें किस तरीके से रखनी है, शेप स्टाइल ब्लॉक दिया हुआ है। यहाँ पर हमें शेप में कैसा कलर फिल करना है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है शेप फिल, शेप फिल में जाते हैं, यहाँ पर ये थीम कलर्स दिए हुए हैं, जैसा भी थीम कलर हमें रखना है तो यहाँ से हम थीम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यदि कोई कलर फिल हुआ है और उस कलर को हमें हटाना है, कोई भी कलर फिल नहीं करना है, तो यहाँ पर हम नो फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोर फिल कलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी कस्टमाइज करके कलर्स को बनाना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ रेड, ग्रीन, ब्लू, तो अपने अकॉर्डिंग रेड हमें कितना रखना है,
यहाँ 149 कर दिया। अपने अकॉर्डिंग जैसा भी रखना है यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग कलर भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर। यदि इस शेप के अंदर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेडियंट, तो जैसा भी ग्रेडियंट यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं शेप के अंदर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है टेक्सचर। शेप के अंदर यदि हमें कोई टेक्सचर फिल करना है तो यहाँ से हम ये टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। कोई पैटर्न फिल करना है तो यहाँ से पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो कलर दिए हुए हैं, फोरग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड कलर। तो यदि हमें यहाँ से चेंज करना है, जैसे यहाँ पर कर दिया रेड और यहाँ पर कर देते हैं वाइट, तो ये रेड वाइट में यहाँ पर ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है शेप आउटलाइन। शेप की हमें आउटलाइन किस तरीके से रखनी है, आउटलाइन का कलर क्या रखना है, तो यहाँ से हम आउटलाइन का कलर चेंज कर लेंगे। अभी ये आउटलाइन दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ से हम इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं। ये अब यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से ये शेप की आउटलाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर यदि स्टाइल चेंज करनी है, डैशेस में करना है, ये लाइन में करना है, तो जिस भी तरीके की हमें शेप की आउटलाइन रखना है तो यहाँ से हम शेप की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है चेंज शेप। यदि हमें इस शेप को चेंज करना है, इसकी जगह पे कोई दूसरा शेप रखना है, तो यहाँ पर हम चेंज शेप में क्लिक करेंगे और ये जैसा भी शेप रखना है तो यहाँ से हम शेप की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन शैडो इफेक्ट, तो शैडो इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। ये जैसी भी शैडो देनी है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये शैडो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नज शैडो अप डाउन लेफ्ट और राइट। जैसे हम यहाँ पर नज शैडो अप इसमें क्लिक करेंगे तो जो शैडो है, जो ये परछाई जो दिख रही है, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ये नज शैडो अप करेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नज शैडो डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी, नज शैडो लेफ्ट करेंगे तो ये शैडो जो है लेफ्ट साइड में जा रही है, नज शैडो राइट करेंगे तो ये शैडो जो है राइट साइड में चली जाएगी। तो जिस भी तरीके से हमें शैडो रखना है तो यहाँ पर हम अप डाउन लेफ्ट राइट किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3D इफेक्ट, तो इसमें हमें 3D इफेक्ट कैसा देना है, तो यहाँ से हम ये 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये जिस भी तरीके का 3D इफेक्ट रखना है यहाँ से हम 3D इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टिल्ट ऑप्शन, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, टिल्ट लेफ्ट, टिल्ट राइट। जैसे हम यहाँ पर टिल्ट अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव हो गई है, टिल्ट अप में डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव होगा, ये टिल्ट डाउन में इस तरीके से दिखाई देगा, ये पूरा नीचे की तरफ चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर टिल्ट लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा। और ये दिया हुआ है टिल्ट राइट, तो इस तरीके से हमें जैसा भी रखना है यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये अरेंज ब्लॉक जो है, अरेंज ब्लॉक को पेज लेआउट टैब में, ये अरेंज ब्लॉक दिया हुआ है इसको पेज लेआउट टैब में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट, तो जिस भी तरीके का हमें स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की विंडो ओपन होती है। अब यहाँ पर हमें किस तरीके का स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर ये अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। तो जैसे भी हमें यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, लिस्ट को सेलेक्ट किया और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इसमें क्लिक करके हम यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर लिख दिया TCA, PGDCA, BSc।
इस तरीके से हम यहाँ पे ये कुछ भी टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट टाइप करना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। अब यदि हमें इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इसमें हम क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी तरीके का स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं तो ये डिज़ाइन टैब जुड़ जाती हैं। यहाँ पर डिज़ाइन टैब में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ऐड शेप, तो शेप यदि हमें और ऐड करना है, जैसे यहाँ पर केवल ये थ्री शेप ही दिए हुए हैं, इसके अलावा यदि हमने जैसे ये वाला शेप सेलेक्ट किया है, इसके बाद में यदि हमें एक और शेप इंसर्ट करना है तो ऐड शेप में जाते हैं और यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर में क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक शेप इंसर्ट हो जाएगा, और यदि हम यहाँ पर करते हैं ऐड शेप बिफोर तो इसके पहले इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम और भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये इसका लेआउट दिया हुआ है तो किस तरीके का लेआउट रखना है, तो यहाँ पर यदि हमें और भी लेआउट यदि चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम चेंज कलर्स में जाके ये यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट की स्टाइल जिस भी तरीके की हमें स्टाइल रखनी है तो यहाँ से हम इसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट ऑप्शन। चार्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हमें ग्राफिक्स में प्रदर्शन करना, तो उसके लिए हम यहाँ पर चार्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट चार्ट की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये चार्ट के अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, कैसा चार्ट हमें इंसर्ट करना है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, बार, एरिया, तो जिस भी तरीके का हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये इसके सब टाइप्स दिए हुए हैं कि कॉलम चार्ट हमें किस तरीके से बनाना है, तो ये कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये साथ में हमें एक्सेल की सीट देते हैं। अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड फिल करेंगे तो जो भी हम रिकॉर्ड यहाँ एक्सेल में फिल करते हैं वो चार्ट के रूप में यहाँ पर वर्ड में दिखाई देगा, ये डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने दे दिया 8th क्लास, 10th और यहाँ पर दे दिया 12th क्लास। उसके बाद यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के नाम दे दिए ए बी सी, यहाँ पर दे दिया डी, और यहाँ पर 8th के परसेंटेज दे देते हैं 67, 70। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक्सेल में रिकॉर्ड को फिल किया है, ये 8th के परसेंटेज हैं, ये 10th के, ये 12th के, और यहाँ पर ये स्टूडेंट के नाम दे दिए। अब यहाँ पर ये जो भी हमने एक्सेल में डेटा टाइप किया था वो यहाँ पर चार्ट के थ्रू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये 8th में ये ब्लू कलर, 10th, 12th, यहाँ पर ये क्लासेस के नाम बता रहे हैं, और यहाँ पर ये स्टूडेंट का नाम हमने ABCD करके दिया हुआ था, तो ये यहाँ पर सारे नाम शो हो रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर माउस लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू बता रहे हैं सीरीज 8.A और वैल्यू 45, मतलब ये 8th क्लास का है जिसका नाम ए है और इसके जो परसेंटेज है वो 45 है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो इस कलर में मैंने क्लिक किया तो एक साथ ये चारों सेलेक्ट हो गए। अब यदि हम चाहते हैं कि हमें ये बार बार ये माउस को मूव ना करना पड़े, डायरेक्ट हमें यहीं पर परसेंटेज पता चल जाए कि किसके कितने परसेंटेज हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है ऐड डेटा लेवल। जैसे हम यहाँ पर ऐड डेटा लेवल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर इसके परसेंटेज भी ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें भी ऐड करना है तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेवल्स, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेवल्स, तो यहाँ पर इसके ये परसेंटेज भी शो होने लगे। तो यहाँ पर जैसे चार्ट इंसर्ट किया तो ऊपर ये चार्ट टूल बता रहे हैं और यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब जुड़ गई है। यहाँ पर यदि चार्ट का टाइप चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को सेव करना है तो सेव एज टेम्पलेट में क्लिक करके हम इसको, इस चार्ट को सेव भी कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर ये चार्ट का लेआउट दिया हुआ है किस तरीके से रखना है, तो यहाँ से हम ये चार्ट का लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये चार्ट की स्टाइल दी हुई है किस तरीके से हमें चार्ट की स्टाइल्स को रखना है, तो यहाँ पर ये अलग अलग चार्ट की स्टाइल दी हुई है, तो जैसी भी हमें चार्ट की स्टाइल रखना है यहाँ से हम चार्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी डेटा को चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं।